गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 29 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। आज अपन सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट है कैसे बनाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे उसको इकट्ठा करते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है उनका, क्या आंकड़े रहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था, जिस प्रकार एक मकान की अर्थव्यवस्था या मकान का जो ढांचा जिस पर टिका रहता है उसे बोलते हैं नींव की ईंट। ठीक उसी प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसमें नए नए संशोधन करने के लिए, नए प्रयोग करने के लिए, नए तरीके से संचालन करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। हर साल नया बजट बनाया जाता है, जो पिछले बजट में कमियाँ रह जाती हैं नया बजट में उनको पूरा करने का प्रयास किया जाता है उन आंकड़ों के आधार पर। तो देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में बजट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सरकारी वित्तीय प्रशासन बजट के माध्यम से ही करती है। इसी के साथ बजट द्वारा ही सरकार अपनी आय व्यय एवं ऋण संबंधी नीतियों को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। अतः बजट का अर्थ है, उद्देश्य, अवयव आदि अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। नंबर एक, बजट का अर्थ, मीनिंग ऑफ बजट। मैंने लिखा भी है पॉइंट कि अपन बजट के बारे में देखें बजट क्या होता है। बजट की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द ब्यूजे से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का एक छोटा सा थैला। बच्चों, आपने देखा होगा जब वित्त मंत्री आता है तो उसके पास एक सूटकेस रहता है, यानी पिटारा भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा जब जब बजट तैयार होता है वित्त मंत्री आते हैं तो आपने उसके पिटारे में क्या क्या सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या प्लानिंग है उनकी, कितना बजट रखा गया है, और एजुकेशन के लिए क्या बजट रखा गया है, केंद्रीय सरकार है जैसे कि रेलवे विभाग है, पोस्ट ऑफिस है आदि के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, बैंकों के लिए क्या है, कर्मचारियों के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, और किसान सभी जो विभाग हैं, एजुकेशन विभाग है, PWD है, तमाम विभागों के लिए क्या क्या बजट रखा गया है, हम सब उनकी आशा लगाते हैं और उनको देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। तो वो जो बैग होता है उसे चमड़े का थैला भी बोला जा सकता है। वास्तव में इंग्लैंड में बजट का शब्द का प्रयोग उस थैले से किया जाता है जिसमें सरकारी व्ययों को पूरा करने के प्रस्ताव होते हैं। बहुत से योजनाएं होती हैं, बहुत से कार्य होते हैं जो पिछले बजट में पूरे नहीं हो पाते हैं, उनको नए बजट में प्राथमिकता देके पूरा करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान समय में बजट का आशय उस दस्तावेज से होता है जिसमें एक निश्चित समय अवधि हेतु देश की आय व्यय का अनुमान नित ब्यौरा होता है। ये एक निश्चित समय के लिए होता है, जैसे जो रजिस्ट्रेड ऑफिसर होते हैं उनको चेक पावर होते हैं, मार्च के समय वो सारे चेक पावर चले जाते हैं, फिर दोबारा से री इशू होकर चेक पावर उनके पास आते हैं, और जो कार्य रह जाते हैं वो फिर नई बजट आने के बाद ही कार्य पूरे होते हैं, और जो पैसा फंड में रह जाता है वो लैप्स हो जाता है, फिर नया फंड में पैसा आता है। ठीक है ना, तो अगर आपने एक समय अवधि के अंतर में वो फंड खर्च कर लिया तो ठीक है, वो सेव नहीं होता है। जो फंड में रखा हुआ एक अवधि की निश्चित अवधि के लिए फंड होता है, वो निश्चित अवधि में अगर आपने व्यय कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो अगले बजट को आने से पहले वो पिछला बजट जो शेष रह जाता है अकाउंट में वो लैप्स हो जाता है। कहते नहीं, जो खाता में पैसा था वो लैप्स हो गया, अब दोबारा से बजट आएगा, फिर दोबारा से हमें चेक पावर आएंगे, दोबारा से हमारे बैलेंस वगैरह आएगा। देखिए, रेने स्टर्न के अनुसार बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय एवं व्यय की एक प्रारंभिक प्रस्तावित योजना होती है, यानी प्लानिंग होती है किसमें कितना क्या क्या करना है, एक पूरी योजना होती है। ठीक है, गैस्टन जेजी के अनुसार आधुनिक राज्य में बजट एक पूर्व कल्पना है और सभी सार्वजनिक आयों तथा व्ययों का एक अनुमान है। यानी ये क्या है, पूर्व कल्पना, यानी कार्य करने से पहले उस कार्य योजना को बनाया जाता है कि इस कार्य योजना को संचालित करने के लिए, पूरा करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी, उसकी पूरी सी योजना बना के एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो काम पूरा होना है। जैसे कि और सार्वजनिक आय व्यय होते हैं उसमें, किसी एक व्यक्ति के लिए बजट तैयार नहीं किया जाता, ये सब जैसे कि डैम बनना, जैसे किसी क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है तो उस समस्या का निदान करने के लिए सांसद, मंत्री, वित्त मंत्री या विधायक जो भी उस क्षेत्र के कार्यकर्ता होते हैं उसकी कंप्लेन लाते हैं, उसकी फिर योजना वित्त मंत्री के लिए पूरा करने के लिए एक कमेटी गठित होती है, कमेटी में वो प्रस्ताव पास होने के बाद उसकी योजनाएँ बनाई जाती हैं। तो वो सार्वजनिक
व्यय करते हैं उस पर, मतलब सभी की वहाँ मांग होती है। जैसे डैम बनना है तो कैसे कैसे बनना है, कहाँ कहाँ जाते हैं, उसकी एक पूरी प्लानिंग होती है। तो काम की पूर्व प्लानिंग, ठीक है ना, अनुमान है तथा विशिष्ट व्ययों तथा आयों के लिए धन एकत्रित करने तथा उनको व्यय करने का आदेश दे दिया जाता है। और फिर उस पर व्यय होने के बाद उनसे शुल्क वसूल भी किया जाता है। अगर बोधना डैम से जो जो नहर निकलेंगी उन नहरों से टैक्स वसूल किया जाता है। बिलोवी के शब्दों में बजट एक ही साथ एक रिपोर्ट, एक अनुपात तथा एक प्रस्तावित ताव होता है। यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन की सभी प्रक्रियाओं को संबंधित किया जाता है, एक दूसरों की तुलना की जाती है तथा उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी सरल भाषा में हम कह सकते हैं बजट एक ऐसा वित्तीय एवं परिमाणिक विवरण है जो एक निश्चित समय के लिए पूर्व अनुमानित होता है, जिसमें इस समयावधि के अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियाँ दी होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक निश्चित समय में आपको ये फंड खर्च करना पड़ता है, जो जो उसके उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है बजट का आधार। अब मैंने आपकी इसकी विशेषताएं बताएंगे। पहली विशेषता है बजट का आधार रोकड़ राशि। यानी बजट है क्या, उस आधार क्या है, जिस प्रकार मकान का आधार क्या है, नींव की ईंट, तो उसी प्रकार बजट का आधार कैसे होता है। बजट को बही खाते के आधार पर तैयार ना करके नगदी के आधार पर बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में बजट के समस्त आय व्यय रोकड़ राशि में होते हैं, ठीक है ना। उससे सरकार की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, यानी गवर्नमेंट के पास कितनी क्षमता है। जब भी कोई नया कार्य किया जाता है तो वित्त विभाग से परमिशन मांगी जाती है, तब वित्त विभाग परमिशन दे देता है, तभी हम वह कार्य को संपन्न कर पाते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका कितना बढ़ाना है, वेतन कितना कटना है, उनमें कितना परसेंट जोड़ना है, ये वित्त विभाग की स्थिति के ऊपर ही डिपेंड होता है। सकल राशि, बजट में आय व्यय की सकल राशि दिखाई जाती है। दूसरे शब्दों में आय प्राप्त करने में होने वाले व्ययों को आय में से घटाकर नहीं दिखाया जाता है। कुल आय एक ओर तथा कुल व्यय को दूसरी ओर दिखाया जाता है। इससे बजट बनाने तथा उसमें क्रियान्वित करने में समन्वय बनाया जाता है। यानी समन्वय मीन्स तालमेल, समस्त क्रियाओं का एक बजट। सरकार की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के लिए एक ही बजट बनाया जाना चाहिए। इससे देश की वास्तविक आर्थिक दशा का सही अनुमान लगाना संभव होता है। अरे जैसे जैसे देश विकास करता जाएगा तो इससे अनुमान लगाएगा कि हमारा देश विकासशील होता जा रहा है। यानी जैसे जैसे सभी उपभोक्ता या सभी कर्मचारी या किसान भाई या बिजनेस भाई या एम्प्लॉई आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते चले जाएंगे, या जो आधुनिक उपकरण मशीनें हैं, आधुनिक दवाइयां हैं, आज आपने देखा होगा कृषि विभाग में बहुत से लोग बाग आधुनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं, अपनी फसल में खरपतवार को मारने के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने लगे हैं और आधुनिक मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका स्तर बढ़ने लगा, ठीक है ना। और इस जब उनका स्तर बढ़ने लगा तो हमारे देश का भी धीरे धीरे स्तर बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। और अधिकतर गांवों को शहरों से जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अधिकतर जो गांव थे उन गांवों में हर गांव को कस्बा, तहसील या जिला, जो जिस शहर के आसपास थे उनको उस शहर से जोड़ दिया गया, जिससे क्या हुआ, सभी देश विकासशील हुए, गाँव में भी विकास हुआ, पढ़ने आने जाने की सुविधाएं हो गई, और अधिकतर जो गांव के किसान थे उनमें विकास हुआ, उनको अपनी फसल के अच्छे दाम मिलने लगे, ठीक है ना। तो ये क्या समस्याएं धीरे धीरे उनकी दूर होती चली गई और हमारे देश की जो विकास है वो बढ़ने लगा। तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे देश का भी विकास हो रहा है। व्यय समाप्ति नियम, बजट में जो राशि जिस कार्य के लिए आवंटित की जाती है वह उस वित्तीय वर्ष में उस कार्य में व्यय करना चाहिए। यानी जैसे स्वास्थ्य विभाग के लिए जो राशि रखी गई है, एजुकेशन विभाग के लिए जो एक साल के अंदर राशि रखी गई है वो एक साल के अंदर ही खर्च होना चाहिए। अगर वह एक साल के अंदर खर्च नहीं हो पाई है और खाते में शेष रह गई है तो वह पैसा जैसे ही वो समय अवधि समाप्त होगी तो वो जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, यानी खजाने में, गवर्नमेंट की सरकारी खजाने में पुनः वापस हो जाता है। फिर दूसरा बजट आता है, दूसरी राशि आती है, दोबारा से फिर चेक पावर आती है, फिर दोबारा से कार्य होता है। तो कहने का मतलब जो जिस कार्य के लिए जितनी राशि रखी गई है वह समय अवधि के अंदर ही वह खर्च होनी चाहिए, ठीक है ना। अनुमान वास्तविकता के निकट, बजट में जो अनुमान लगाए जाते हैं वह
वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर वास्तविकता के समीप होने चाहिए। बजट अनुमान का वास्तविकता से बहुत अंतर होने का अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अतः बजट अनुमान यथार्थता के धरातल पर लगाए जाने चाहिए। अब अनुमान निकटता यानी कि जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वह ऐसे अनुमान होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग होना चाहिए कि वो एक साल के अंदर पूरी हो जाए। ऐसा ना हो कि वो इतने बड़े बड़े अनुमान या ऐसी प्लानिंग बना ली जाए कि एक साल भर में पूरा ही नहीं हो पाए, तो फिर बजट हर साल बनाने का मतलब ही क्या निकलेगा, वो हर बार लैप्स हो जाएगा या नया काम शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग बहुत जो भविष्य समय के निकट यानी जो प्लानिंग बनाई जाती है वो एक समय के अंदर में समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि परीक्षा का टाइम निश्चित रहता है 2.5 घंटा या 3 घंटा, तो वो पेपर जो बनाया जाता है वो पहले सॉल्व किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है कि यह 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो पेपर बना दिया पता लगा 4 घंटे लग रहे सॉल्व करने के लिए, तो वो पहले से प्रैक्टिस में या पहले से उसको कर लिया सॉल्व कर लिया जाता है, तब जाके वो हम पेपर बच्चों को देते हैं। इसी प्रकार बजट की अवधि, बजट एक निश्चित समय अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए ही बनाया जाता है, इससे जनप्रतिनिधि सरकार के कार्यों का प्रतिवर्ष अवलोकन कर सकें। यानी जो बजट है वो हर साल बनाया जाता है, इससे जो उसकी प्रतिनिधि होती है उनका क्या कर सकें, हम कर प्रतिनिधि कर सकें। लेखों का समानता, वित्तीय व्यवस्था में केंद्र व राज्य के लेखों में समानता होनी चाहिए, इससे विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रशासन की विधि समान रहती है। मदों के प्रकार, बजट की आय व्यय की मदों की आगम व पूंजी मदों में विभाजित करके दर्शाया जाता है। आज हमने सरकारी बजट के बारे में पढ़ा, उसमें क्या मींस क्या होता है और उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं, ये सारी विशेषताएँ मैंने आज वीडियो में बताएं। इसमें जो भी संबंधित समस्याएं आई हों पॉइंटों में या थ्योरी में, आप विद्यालय में आके संबंधित शिक्षा से संपर्क कर सकते हैं। इसके और भी पॉइंट हैं बजट के उद्देश्य या महत्व, ये हम अगले वीडियो में लेके आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।